नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे, अगर रात को अचानक से आपकी खुल जाती है नींद तो क्या कारण हो सकता है, जल्दी संभल जाए वरना पछताना पड़ सकता है। दिन भर की थकान के बाद अगर सुकून की नींद मिल जाए तो दूसरे दिन की नई शुरुआत करना बहुत ही फ्रेश होता है। लेकिन यह रात की सुकून भरी नींद हर किसी के खाते में दर्ज नहीं होती है दोस्तों। इस बीमारी को नाइट ड्रेड के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतर कामकाजी लोगों को रात में बार बार जागने की आदत पड़ जाती है। अगर आपकी आंख भी रात में सोते समय बेमतलब ही कई बार खुलती है तो आप कैटास्ट्रोफिसिंग या नाइट ड्रेड नामक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी में आधी रात में नींद खुल जाती है और इंसान चौंक कर बैठ जाता है। इसके स्ट्रेस से एक बड़ी वजह हो सकती है। आजकल की जिंदगी में घर, रिश्तों और ऑफिस के काम का इतना प्रेशर होता है कि इस तनाव को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। आपकी सुकून भरी नींद से तनाव का गहरा रिश्ता है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपको अच्छी नींद आती है और आप दिन भर ताजगी से भरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपका दिमाग प्रेशर और तनाव से भर जाता है तो आपको सोने की आदतों पर प्रभाव डालता है। यह समस्या इंसोमेनिया की बीमारी से बहुत अलग है, इसलिए इसे इस बीमारी से ना जोड़ें। किसी भी चिंता की वजह से रात को नींद का टूट जाना, बेचैनी महसूस करना, मन उदास होना, तनाव और पसीने का आना, ये आम लक्षण हैं। कारण, एक व्यक्ति को 90 से 120 मिनट के बीच में सोता है और इसमें से अधिकांश लोग इस बीच करवट बदलते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत कई लोग चिंता और डर की वजह से उठ जाते हैं और फिर दोबारा सो नहीं पाते। यह समस्या किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे देर रात तक जागना, खान पान की आदतों का खराब होना, डिप्रेशन और मेनोपॉज जैसी जल्द हो जाना। इस बीमारी का प्रतिशत हर रोज बढ़ता जा रहा है और इसके शिकार स्कूली बच्चे भी हो रहे हैं। इस बीमारी में लोग अकारण डर के शिकार हो जाते हैं और बिना बात कहे जल्दी हाइपर होने लगते हैं। यह बीमारी ज़्यादातर नकारात्मक सोच रखने वालों को अपनी गिरफ्त में लेती है। बच्चों में भी इस तरह एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने को मिल रहा है। यह ऐसे लोगों के साथ होता है जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कैसे करें बचाव दोस्तों? अपने दिमाग में सकारात्मक भाव लाने का प्रयास करें, मन की बातों को किसी करीबी से शेयर करें या फिर अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना शुरू कर दें। इस समस्या को समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। रात में सोते समय आप अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें और साथ ही लड़ाई झगड़े वाली मूवीज और गेम्स से दूर रहें। रूटीन को बनाएं, अपनी डेली रूटीन को बनाए रखें। सोने से पहले कोई जरूरी काम करने की आदत डालें, जैसे गहरी सांस लेना, अपने तकिए पर लेवेंडर के तेल की कुछ बूंदें लगाएं, कैमोमाइल चाय पिएं, सॉफ्ट म्यूजिक सुनें। म्यूजिक सुनने से दिमाग को आराम मिलता है और वह नकारात्मक भाव से दूर रहता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए व्यायाम करें, जिससे नींद आपको अच्छी आएगी। नींद का रूटीन बिगड़ने से इंसान में चिड़चिड़ापन हो जाता है दोस्तों, और इस कारण मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।